आज खेत में बहुत ही काम हो गया, चलो कि कुछ खाया जरा। मेरी चिंटू बेटा खाना लाइए, मेरी प्यारी चिंटू बेटा खाना लाइए। सुनाए नहीं था, मार 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 मार। एक हुआ कि ऐसे में बिजी रहता है। बिटिया कहाँ है हमारी? नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना। मैं नहीं जा रहा हूँ यहाँ से, हमेशा ही खुला दे रहा है। इनको कौन दे? बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन दे? लोटा कहाँ रखा तुमने? लोटा कहाँ? कहता है सब लोटा वहीं रख। तो जैसा हमने पहले दृश्य में देखा, जब पिता अपने घर आते हैं तो उनके तीनों बेटे मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं और उन्हें कोई खाना देने नहीं जाता, और वो अपनी बहन को भी उसमें इन्वॉल्व रखते हैं ताकि वो ना जा सके। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। मैंने अपने पूरा जीवन भर अपने बच्चे का परवरिश में गुजार दिया। हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। ये देखिए, यहाँ पे बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। इनके पैरों में बहुत भयंकर चोट आई है, इनका सर भी फूट चुका है। ये जिंदा बचेंगे या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। पिता का एक्सीडेंट होता है तो लोग उनका वीडियो बनाते हैं, ना कि उनकी मदद करते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। इस वजह से इलाज में देरी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और कुछ असामाजिक तत्व तो इस हद तक गिर जाते हैं कि वो इस स्थिति में भी उनका मोबाइल और पर्स चुरा के भागते हैं। आइए देखते हैं आगे का दृश्य जो उनके अंतिम संस्कार का है। रुको, इनका असली वारिस कौन है? हाँ मैं। इन्होंने मुझसे 1.5 लाख रुपए लिया था, जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। 1.5 लाख? हाँ। अरे ये तो पापा पहले से भी ऐसा ही करते रहते हैं, और पैसा लेके और हमको कुछ नहीं दिए, और कर्ज हमारे उल्टे पर लग गए, हम छोड़ जा रहे हैं। तुझसे इनसे मतलब? इनका तो यही काम रहता है, हर समय कर्ज ले लेते हैं और फिर हमारे पर धरे। हम भी जा रहे हैं ये दोनों गए, तो इनका अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा जब तक मुझे 1.5 लाख रुपए नहीं मिल जाता। इनको बेटे को बुलाया जाए इनको मुखाग्नि देने के लिए। मैं हूँ? नहीं नहीं, लड़की नहीं, लड़का। पर क्यों? क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में यही लिखा है कि बाप को मुखाग्नि सिर्फ बेटा ही देता है। पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार तो उन संतान को होना चाहिए जो अपने बाप की संस्कार, जो अपने बाप की इज्जत का
हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, हम तुम्हारे बात से सहमत हैं। चलो चलो मुंखाग्नि को। जैसा हमने देखा जब बात पैसे की है तो अपने ही बेटे अनजान हो गए और अपने पिता को पहचानने से तक से इनकार कर दिया, जबकि बेटी अपने जीवन देने तक को तैयार हो जाती है। फिर क्यों हमने ऐसा भ्रम अपने दिमाग में पाला है कि बेटियां पराए घर की और बेटा अपना निवाला है और आज तो हमारे समाज में कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि अपना माता पिता अपना सारा जीवन अपने बच्चों को समर्पित कर देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके पास अपने माता पिता के लिए समय ही नहीं रहता। और हाँ, रही बात धर्म संकट में पड़ने की, तो धर्म ना कभी संकट में पड़ा था और ना कभी पड़ेगा। अरे संकट में तो इंसान ही पड़ते हैं। लड़के का मैं यही कहना चाहूंगा, ना बनाओ यू वीडियो हर जगह, मत करो तुम इंसानियत को शर्मसार। अगर ऐसे ही होता रहा लड़का और लड़की में भेदभाव, तो यही होगा हर काम। धन्यवाद।